अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माशाल्लाह हैदराबादी रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन। बनाना स्टार्ट करेंगे। अदरक लहसुन 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, मिर्ची 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला ही है 1 टीस्पून डालेंगे, काली मिर्ची 1/2 टीस्पून, रेड फूड कलर 1/4 टीस्पून, नींबू 2 है ये नींबू का जूस, दही 3 टीस्पून। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। पीसेस को मैं इसे कट बिठा ली तो मसाला अंदर जाता। चलिए अब हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चलिए 2 घंटे के लिए रखे थे ना चिकन। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसको पकाएंगे। चिकन को अच्छे से मिलाएंगे। चूल्हे पर कढ़ाई रख दी मैं। कढ़ाई गर्म हो गई। 3 टेबलस्पून ऑयल डाली मैं। अब हम पीसेस को डालेंगे। चिकन का मसाला है ना, ये भी डाल दीजिए। चिकन में हम 1/2 गिलास पानी डालेंगे ताकि चिकन अंदर से अच्छा पकता। चलिए 10 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए हमारा चिकन गल रहा। 10 मिनट ऐसे पकाएंगे। ये जो पानी डाले ना अपन, पानी सूखे तक पकाएंगे। चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन अच्छे से, पानी भी सूख गया, चिकन भी गल गया। देखिए चिकन भी गल गया। अगर आप लोगों को ग्रेवी रखना है तो थोड़ा मसाला ऐसे रखना, नहीं ग्रेवी नहीं होना है तो पूरा सुखा देना। पानी 5 मिनट के लिए दम से रख देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा तंदूरी चिकन बन के रेडी हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हम इसमें उठले भर देंगे। इसके लिए कटोरी रख देंगे। चलिए अब हम इसमें बटर डालेंगे। मैं बटर डाली, आप लोग घी तेल भी डाल सकते। कोयले की जो खुशबू आती ना, उस वो चिकन में जाके चिकन का जायका बढ़ा देती, टेस्ट बढ़ जाता। देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी तैयारी, हम डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा तंदूरी चिकन बन के रेडी हो गया। बहुत टेस्टी रेसिपी है। माशाल्लाह छोटे बड़ों को सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। आप भी बनाइए, घर पर ट्राई करिए। ये डिश कैसी बनी आप कमेंट करके बताइए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। दुआ में ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।